काठमांडू राजनगरी के शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आज धर्म गंगा का ये दूसरा प्रवाह, कल ये बात समझने की कोशिश की कि धर्म क्या है और धर्म तथा संप्रदाय में क्या अंतर है। थोड़े में फिर समझ लें, धर्म सार्वजनिक होता है, सबका होता है, और धर्म के नाम पर जो संप्रदाय चलते हैं वो सीमित लोगों के होते हैं। जैसे हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होके रह जाएगा, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होके रह जाएगा, जैन धर्म जैनियों का, मुस्लिम धर्म मुसलमानों का, ईसाई धर्म ईसाइयों का, सिख धर्म सिखों का, पारसी धर्म पारसियों का, सबका नहीं होगा। और धर्म तो सबका होगा, इसीलिए धर्म को संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ने दें। धर्म का अपना एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। धर्म की अपनी एक सत्ता है, बहुत महान सत्ता है, उसे कहीं भुला न दें, अन्यथा अपनी ही हानि कर लेंगे। अपने यहां की पुरानी भाषा में धर्म कहते थे स्वभाव को, प्रकृति को, नेचर को, लक्षण को। जिसका जो स्वभाव उन दिनों की भाषा में, उसका वो धर्म। जैसे आज भी कहें अग्नि का धर्म जलना और जलाना, तो अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। ठीक इसी प्रकार हमारे मानस में जो विकार जागते हैं, क्रोध जागे, द्वेष जागे, दुर्भावना जागे, ईर्ष्या जागे, अहंकार जागे, वासना जागे, भय जागे, कोई विकार जागे, प्रत्येक विकार का ये स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका नेचर है। और मन अगर विकारों से मुक्त हो जाए तो विकार विमुक्त चित्त का स्वभाव है मैत्री से भर जाना, करुणा से भर जाना, सद्भावना से भर जाना, तो शांति से भर जाना, सुख से भर जाना, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका नेचर है। अपने यहां पुराने जमाने में इसी को धर्म कहते थे। वो चित्त वृत्तियां जिनकी वजह से हमारे भीतर व्याकुलता जागती है, बेचैनी जागती है, अशांति जागती है, उससे हम दूर रहें। और वो चित्त वृत्तियां जिनकी वजह से हमारा चित्त निर्मल होता है, सुख और शांति से भर जाता है, सौमनस्यता से भर जाता है, उसे हम धारण करें। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। इसमें कोई हिंदू पने की बात नहीं है, कोई बौद्ध पने की, कि जैन पने की, कि ईसाई पने की कोई बात नहीं। ये कानून सब पर लागू होता है। जैसे आग आग है, जलाती है, तो आग हिंदू नहीं होती, उसका जलना हिंदू नहीं होता,
न बौद्ध होता है, न जैन होता है, न ईसाई होता है, न मुस्लिम होता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे जो विकार हैं और उन विकारों की वजह से जो व्याकुलता होती है, वो न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है। और विकार न हो, चित्त निर्मल हो जाए, उस निर्मल चित्त से जो शांति आती है, सुख आता है, वो भी न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न सिख है, न ईसाई है। धर्म है, ये नियम है प्रकृति का, ये विश्व का विधान है, ये कुदरत का कानून है। इसी को उन दिनों की भाषा में धर्म नियामता कहते थे। ये ऐसा नियम है जो सार्वजनीन है, सब पर लागू होता है, अल्पजनीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से लोगों पर ही लागू होता हो, सब पर न लागू होता हो, सब पर लागू होता है। जो अपने मन में विकार जगा लेगा वही व्याकुल हो जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नेपाली हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, रूसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विकार जगाया है ना, व्याकुल होगा ही, दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। ऐसे ही विकार भी मुक्त हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, बड़ी शांति प्राप्त करेगा, क्योंकि निर्मल चित्त में सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे, मैत्री, करुणा, सद्भावना, और मन बड़ा शांत होने लगेगा, बड़ा सुख महसूस करने लगेगा। सब पर लागू होता है। कोई हिंदू अपने मन के विकारों को दूर कर ले, वो भी उतना ही सुख शांति महसूस करेगा। कोई बौद्ध कर ले, कोई जैन कर ले, कोई ईसाई कर ले, कोई सिख कर ले, अपने मन को विकारों से विमुक्त किया कि सुख शांति आए। अपने विकारों में, अपने मन में विकार जगाए कि दुखी हुआ, बेचैन हुआ। ये सर्वव्यापी है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, अल्पदेशिक नहीं। कि किसी किसी देश में तो ये नियम लागू होता है, बाकी देशों में नहीं होता, सब जगह ये नियम लागू होता है। इसी तरह सार्वकालिक है, सब समय ये नियम लागू होता है, इसीलिए इसको सनातन कहा। धर्म हमेशा सनातन कहलाता है, क्योंकि इसके नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। संसार की ओर सारी बातें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर संसार के ये नियम, धर्म का ये कानून, ये विधान, ये रित, ये नहीं बदलता। आज के हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले भी कोई आदमी अपने मन में विकार जगाता था तो उसी प्रकार व्याकुल होता था जैसे आज कोई विकार जगाकर व्याकुल होता है। अथवा हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष के बाद भी कोई विकार जगाएगा उतना ही व्याकुल होगा। आज के हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले कोई व्यक्ति अपने मन को निर्मल करके सुख शांति महसूस करता था, वैसे ही आज भी करता है, वैसे ही करोड़ों वर्ष के बाद भी करेगा। इस माने में सनातन है, सार्वकालीन है, अल्पकालीन नहीं। कि थोड़े समय के लिए तो ये कानून लागू होगा, उसके बाद नहीं होगा। संप्रदाय ऐसा कभी नहीं होता। संप्रदाय न सार्वजनीन होता है, न सार्वदेशिक होता है, न सार्वकालीन होता है। तो धर्म को समझें, स्वभाव है, प्रकृति के नियम है, उन नियमों के अनुसार, उन नियमों को समझते हुए हम अपना जीवन ढाल लें, सुखी हो जाएंगे। उन नियमों को तोड़ते हुए हम जीवन जिएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, औरों का नुकसान करेंगे। बहुत सीधी सीधी बात होती है धर्म की, लेकिन लोगों ने उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार के कर्मकांडों में उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार की दार्शनिक मान्यताओं में उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार के सांप्रदायिक बेड़ों में बांध बांध करके, बाड़ों में बांध बांध करके उलझा दिया। धर्म का शुद्ध स्वरूप, धर्म का शुद्ध अर्थ लुप्त होता चला गया, लुप्त होता चला गया।
मनुष्य समाज ने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली। तो बहुत अच्छी तरह से समझें, धर्म का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, नेचर, कुदरत का कानून, विश्व का विधान जो सब पर एक जैसा लागू होता है। अत्तनो स्वभावं धारेति इति धम्म, ऐसे ही अत्तनो लक्षणं धारेति इति धम्म। लक्षण क्या है? धर्म के अपने लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है धर्म के? अपने यहां कहा गया धर्म के लक्षण समझाते हुए, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह, शौचमिन्द्रिय निग्रह, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण है। क्या धर्म के 10 लक्षण है? सद्गुण है। चित्त निर्मल होगा, ये सद्गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, आदमी को जीने की कला आ जाएगी, स्वयं सुख शांति का जीवन जिएगा, औरों के लिए सुख शांति का वातावरण निर्माण करेगा, समाज सुखी हो जाएगा, संसार सुखी हो जाएगा, सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे। ये सद्गुण कैसे आए? जब तक चित्त में मैल ही मैल भरा है, सद्गुण आने वाले नहीं है। सद्गुण आएंगे चित्त का मैल निकलने के बाद। चित्त का मैल जितना जितना निकलता जाएगा, चित्त जितना जितना निर्मल होता जाएगा, निर्विकार होता जाएगा, ये सद्गुण अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और धर्म अपना लक्षण बताना शुरू कर देगा। इस आदमी में धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण हैं माने ये व्यक्ति धर्म का जीवन जीता है। मन में जब मैल होता है, मन में जब मैल होता है तो वाणी से कोई कर्म करें दूषित कर्म ही होगा, अकुशल कर्म ही होगा, हानिकारक कर्म ही होगा। मन में जब मैल है तो शरीर से कोई कर्म करें दूषित कर्म ही होगा, हानिकारक कर्म ही होगा। ठीक इसके विपरीत, मन जब निर्मल है, सद्गुणों से भर गया है, तो वाणी से जो काम करें कुशल ही होगा, मंगल ही होगा, भला ही होगा। शरीर से जो काम करें कुशल ही होगा, मंगल ही होगा, भला ही होगा। मैले चित्त से अच्छा काम किया नहीं जा सकता, निर्मल चित्त से बुरा काम किया नहीं जा सकता। बड़े सीधे सीधे नियम है धर्म के, हम इन नियमों को तो भूल जाएं और बाकी बातों में धर्म के नाम पर और बाकी बातों में अपने आप को उलझाए रखें, तो भाई मनुष्य जीवन जो इतना कीमती जीवन है उसे वैसे ही खो देंगे, इसका कोई लाभ नहीं ले सकेंगे। मनुष्य जीवन का लाभ लेना है तो धर्म को समझेंगे, सही अर्थ में समझेंगे और उसे धारण करने के काम में लग जाएंगे। और ये काम एक एक व्यक्ति को करना होता है। एकमेव चरे धम्मं, धर्म एक एक व्यक्ति धारण करता है, समूह नहीं, कोई भीड़ नहीं। हम कहें ये हिंदू समाज है धर्म पालन करता है, ये बौद्ध समाज है धर्म पालन करता है, ये सिख समाज है कि जैन समाज है कि ईसाई समाज है, नहीं भाई नहीं। एक बहुत बड़ा समूह है, सारे के सारे लोग, उस समूह के सारे लोग निर्मल चित्त वाले हों ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उनमें से कुछ लोग होंगे जो निर्मल चित्त वाले हैं, जो विकारों को दूर करने का काम करते हैं, मन को निर्मल करके सद्गुणों से भरते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, ये व्यक्ति धार्मिक हैं। कुछ लोग धार्मिक होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मन को मैला रखते हैं, शरीर और वाणी से दुष्कर्म करते हैं, तो अधार्मिक होंगे, धार्मिक नहीं होंगे। तो समूह में कुछ धार्मिक कुछ अधार्मिक, धार्मिक या अधार्मिक व्यक्ति होता है,
समूह नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेगा तो हर व्यक्ति अपने आप को सुधारने का काम करेगा। जो अपने आप को नहीं सुधार सका, अरे वो समाज को कहां सुधारने जाएगा, समूह को कहां सुधारने जाएगा, धोखे में अपना जीवन बिता देगा। अपने आप को सुधारना है, चाहते तो सभी हैं कि सारा मनुष्य समाज बड़ा सुखी हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए, बड़ी शांति आए, हमारे देश में शांति आए, सारे देशों में शांति आए, सारे विश्व में शांति आए। कैसे आए शांति, इस पर चिंतन नहीं करते। व्यक्ति व्यक्ति के मन में शांति नहीं आई तो समूह में शांति कहां से आएगी। सारा जंगल मुरझा गया, गीला पड़ गया, और हम चाहते हैं कि फिर हरा भरा हो जाए, चाहते हैं, पर केवल चाहने से क्या होगा। उस जंगल के एक एक पेड़ में, एक एक पेड़ की जड़ों में पानी जाएगा, एक एक पेड़ लहलहाएगा, हरा हो जाएगा तो सारा जंगल हरा हो जाएगा। एक एक पेड़ तो सुधरे नहीं, और हम चाहें कि सारा जंगल सुधर जाए, होने वाली बात नहीं। एक एक व्यक्ति सुधरे नहीं और हम चाहें कि सारा समाज सुधर जाए, सारा देश सुधर जाए, सारा संसार सुधर जाए, होने वाली बात नहीं, असंभव बात है। इसलिए धर्म हमेशा एक एक व्यक्ति का होता है। एक एक व्यक्ति को धर्म धारण करके अपने दुर्गुणों से, चित्त के मैल से छुटकारा पाकर, चित्त को निर्मल करके उसे सद्गुणों से भरता है, उसने जीवन जीने की कला सीख ली। अब वो सही रास्ते पर चलना उसे आ गया, अपना भी मंगल करने लगा, औरों का भी मंगल करने लगा। और जिसने अपने विकार निकालने का काम किया नहीं, कभी जाना भी नहीं कि विकार कैसे निकाले जा सकते हैं, वो आदमी हमेशा मैले चित्त का जीवन जीता है, अपने आप को भी दुखी रखता है, औरों को भी दुखी बनाता है। जब जब विकार जगाता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है, सारे वातावरण में व्याकुलता भर देता है। उस समय जो उसके संपर्क में आए उसी को व्याकुल बना देता है, और वाणी से, शरीर से जो काम करता है वो सारे दूषित ही दूषित करता है, बड़ा अमंगल करता है। धर्म नहीं आया उस व्यक्ति के जीवन में, धर्म नहीं आया, क्योंकि वो जाना ही नहीं कि धर्म कैसे धारण किया जाए, क्योंकि वो जाना ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म को जब तक हिंदू धर्म कहता रहा, बौद्ध धर्म कहता रहा, जैन धर्म कहता रहा, ईसाई धर्म कहता रहा, तब तक धर्म नहीं समझ में आया, जरा भी नहीं समझ में आया। जिस दिन धर्म को धर्म कहने लगा, उसके साथ ये जो खपच्चियां लगी हैं, ये क्रचर्स लगे हैं, इनको एक तरफ कर दिया, इनका लेन देन नहीं। धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, महान है, बहुत बड़ी सत्ता है उसकी, वो सारे विश्व में व्यापा हुआ है, उस कानून को सबको मानना है, सबके लिए कल्याणकारी है। ये बात समझ करके धर्म के रास्ते चलने लगा, कदम कदम चलते चलते अपना कल्याण साधने लगा, औरों का कल्याण साधने लगा। धर्म के रास्ते चलने के लिए धर्म के तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं, तीन सोपान होते हैं, तीन सीढ़ियां होती हैं। ये तीन पावड़े ऐसे हैं कि इन पर चल करके सारे लोगों को माप लेगा, और सारे लोगों के परे की लोकोत्तर अवस्था तक पहुंच जाएगा, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। ये तीन चरण में सारा धर्म समा गया। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म समा गया। क्या तीन पावड़े हैं धर्म के? पहला है शील, सदाचार। दूसरा है समाधि, मन को वश में करना, मन का मालिक होना। और तीसरा है प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं, सुना सुनाया ज्ञान नहीं, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान नहीं, अपने भीतर अनुभूति के स्तर पर जो ज्ञान जागा, उस ज्ञान से ही चित्त के मैल दूर होते हैं, पुराने कर्म संस्कार निकलते हैं, नया दूषित कर्म बना नहीं सकता,
पुराने जितने हैं उनसे छुटकारा होता है, उसे प्रज्ञा कहा, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो आज पहले चरण की बात करें, शील, सदाचार की। शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है, उसे शील कहते हैं, उसे सदाचार कहते हैं। शरीर या वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे औरों का अमंगल होता है, औरों का अहित होता है, ऐसा कोई काम नहीं करें। जैसे कल ये धर्म शब्द का इतिहास थोड़े में समझा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ और किस तरह से इसके अर्थ बदलते बदलते किस अवस्था तक पहुंचा। ऐसे ही शील सदाचार का भी अपना इतिहास है। हम भूल बैठे वो अलग बात है, लेकिन अपना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना। उन दिनों ये मनुष्य जाति कहीं बस्ती बसा के नहीं रहती थी, खानाबदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह यूं घुमंतु जाति फिरती रहती थी। अपने पशुओं को लेकर के आज यहां चराया, कल वहां चले गए, फिर वहां चले गए, ऐसे फिरने वाली जाति थी। एक समय आया कि उनमें से कुछ लोगों ने देखा, अरे इस धरती से ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें अनाज होता है और ये अनाज खाने में बड़ा पौष्टिक होता है, हम ऐसे अनाज क्यों न उगाए, ये धरती तो बड़ी उपजाऊ है, जरा सी मेहनत करेंगे तो खूब अन्न देगी, और ये इंद्र महाराज ये बड़ा दयालु है, बहुत वर्षा देगा तो खूब अन्न उपजेगा, चलो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यूं धीरे धीरे ये घुमंतु जाति के मानव एक एक जगह एक एक जगह बसने लगे और खेती का काम करने लगे, अपने पशु भी चराते हैं वहीं और खेती का काम भी करते हैं। ये बहुत पुरानी अवस्था थी जब लोगों ने यह तय किया कि धरती माता तो सबकी है, ये इंद्र देवता सबका है, धरती पर किसी की मलकियत नहीं, सबकी है, तो मेहनत करो और जो उपजे वो बांट कर खाओ, ऐसा साम्य जीवन जिया करते थे। चली बात कुछ दिनों तक, लेकिन मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य स्वभाव है, ऐसे लोग होते ही हैं जो काम तो करना नहीं चाहते और हिस्सा बराबर का चाहते हैं। तो ऐसे निठल्ले लोग, किसी एक ने सोचा, अरे मेहनत करूंगा खेत में जाके तो भी उतना ही अनाज मिलने वाला है, न करूंगा तो भी तो मिलेगा ही, काहे मेहनत करूं, घर में आराम से लेटा रहूंगा, इधर उधर मटर गस्ती करते फिरूंगा, नहीं काम किया। उसको देख के दो ने नहीं किया, चार ने नहीं किया, बात बढ़ने लगी। तो समाज के समझदार लोगों ने देखा कि ये तो व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी, कौन काम करेगा फिर, तो बांट दिया। फिर जमीन का बंटवारा हो गया, ये तेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये अब कर मेहनत, मेहनत करेगा जो उपजेगा तो खा, नहीं मेहनत करेगा नहीं उपजेगा भूख मर, हम क्या करें। यूं व्यवस्था चली कुछ दिनों तक, लेकिन जो आलसी तट्टू होता है, निठल्ला होता है, काम करने को जी नहीं चाहता, उसका स्वभाव बन गया, फिर भी नहीं काम करता, और जब अन्न उपजता है तो उसके यहां तो उपजा नहीं, तो पड़ोसी के यहां उपजा तो चुराता है, छीनता है, झपटता है, हथियाता है, अपना लेता है। ऐसे दो लोग हुए, चार लोग हुए, दस लोग हुए, समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगे। और जब आदमी निठल्ला होता है, निकम्मा होता है, काम नहीं करता, पुरुष हो या नारी हो, तो फिर मन में गंदगी उठती है, तो तरह तरह की गंदगी समाज में फैलने लगी, व्यभिचार फैलने लगा, आपस में कहा सुनी होने लगी, तू तू मैं होने लगा, गाली गलौज होने लगा, हाथापाई होने लगी, मारपीट होने लगी, सारी व्यवस्था बहुत बिगड़ गई।
सब समझदार लोगों ने फिर एकत्र होकर निर्णय किया कि भाई हम पर कोई एक शासक होना चाहिए, किसी को शासक चुन करके हम बनाए और वो जो शासन करे वो नियम बनाए, उन नियमों के अनुसार सबको जीवन जीना पड़ेगा, जो उन नियमों का पालन नहीं करे उसे शासक दंड देवे। तो इक्ष्वाकु नाम का एक व्यक्ति जो बड़ा प्रतापी था, बलवान था, समझदार था, सब ने मिलकर के उसे अपने समाज का राजा बनाया। ये मानव समाज का पहला शासक, क्योंकि सबके सम्मति से चुना गया इसलिए उसका नाम रखा गया महासम्मत। आज भी हमारे पड़ोसी देश में, ब्रह्म देश में, जो देश का प्रेसिडेंट है उसको वहां की भाषा में सम्मत ही कहते हैं। सबकी सम्मति से वो राजा चुना गया। अब उसने नियम बनाए और बड़े कड़े नियम बनाए, यही नियम बनाए कि कोई हत्या नहीं करेगा, हत्या करेगा हम दंड देंगे, कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। दूसरा नियम बनाया, कोई चोरी नहीं करेगा, जो पराई वस्तु है उसे छीनेगा नहीं, चुराएगा नहीं, झपटेगा नहीं, अपनाएगा नहीं, दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा नियम बनाया, कोई व्यभिचार नहीं करेगा, करेगा तो दंड देंगे हम, कोई वाणी से झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेगा, कोई वाणी से कटु बात, कड़वी बात नहीं बोलेगा, कोई वाणी से परनिंदा की बात नहीं करेगा, चुगली की बात नहीं करेगा, वाणी से निकम्मी निरर्थक बातें नहीं करेगा, नहीं तो राज्य की ओर से दंड मिलेगा। ये चार नियम बने। सबसे पहले ये चार नियम बने, उन दिनों की भाषा में इन्हें चतुर्याम कहा गया। ये चार नियम चले चले समाज में, राजा का भय था, शासन का भय था, दंड का भय था, चले। समय बीतता गया बीतता गया, मानव समाज के किसी व्यक्ति ने देखा, अरे ये जो लता है ना, इसके पत्तों में अगर इसे भिगो करके सड़ा दिया जाए और फिर उसे पिए बड़ा आनंद आता है, नशा है कोई सोम की लता, काहे की लता, इसमें बड़ा मजा आता है। तो मादकता की ओर लोग बढ़ने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार से मदिरा बनाए जाने लगे और आगे बढ़े, गांजा है, अफीम है, इत्यादि इत्यादि नशे की चीजें। तो समझदार वाले लोगों ने, समझ वाले लोगों ने एक बात और जड़ी, सुरा मेरय मज्ज, मध्य की नशे पते की कोई चीज नहीं ग्रहण कर सकते। तो पांच हुए, फिर देखा कि नशा पता केवल इन मादक पदार्थों में ही नहीं है, कोई आदमी जुए के लत में पड़ जाता है उतना ही नशा जुए का होता है, पागल हो जाता है, जुए में फंस गया, जुए की आदत डाल ली, अब चाहे जैसे दुष्कर्म करेगा, जैसे नशे पते की आदत डाल ली, तो खूब जानता है कि वो चारों शील मुझे पालन करने हैं, मेरे लिए भी हितकर हैं, औरों के लिए भी हितकर हैं, फिर भी उनको तोड़ता है क्योंकि अपने मन का मालिक नहीं है, वो मदिरा मालिक हो गई, ये गुलाम हो गया मदिरा का। ठीक इसी प्रकार अब जुए का गुलाम हो गया तो उसके साथ जोड़ा प्रमाद ठाना, प्रमाद के जितने स्थान हैं, प्रमाद की जो बातें हैं वो सब बेरमणी, उनसे विरमण करो, दूर रहो, विरत रहो, विरत रहो। पांच शील हुए,